Jesus. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई हुई एक बेहतरीन फैंटेसी मूवी कौथा नदी, यानी कहानियों की एक नदी के बारे में, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था भास्कर हजारिका ने और जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग्स मिली हैं। और अगर बात करूं कहानी की, तो दोस्तों ये फिल्म असम के दिग्गज साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरो की एक किताब बूढ़ी एर साधु पर आधारित है, जिसका हिंदी अनुवाद है दादी माँ की कहानियाँ, जिन्हें अक्सर वहाँ के छोटे बच्चे आज भी अपनी दादी माँ के मुँह से सुनना पसंद करते हैं। और इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूँ, मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे इन व्यूअर्स का, जिनकी रेकमेंडेशंस पर मैं इस बेहतरीन मूवी को आपके सामने ला सका। तो चलिए एक बार फिर से भाषाओं की सीमा को तोड़ते हुए शुरू करते हैं इस हैरत अंगेज कहानी को। ये कहानी शुरू होती है एक बियाबान जंगल से, जहाँ एक अनजान शख्स रात के अंधेरे में वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो अचानक चलते चलते उस जंगल के बीचों बीच आकर रुक जाता है और अपने साथ लाए हुए सामान को नीचे रखकर वहां पर खुदाई करना शुरू करता है। जहां इसी बीच हमारी नज़र उस पोटली पर भी जाती है जिसमें उसका सामान नहीं बल्कि एक नवजात शिशु था, जिसे रोता बिलखता देख वो उसे चुप कराने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और इससे पहले कि वो बच्चा चुप होता, वो उसे खोदे हुए खड्डे में डालकर उसकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देता है। अब अगली सुबह होते ही हम केतकी नामक एक शादीशुदा महिला को भी देखते हैं, जो कुछ समय पहले ही अपना घर बार छोड़कर एक अनजाने गांव में आकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि उसके साथ साथ एक रहस्यमय फल भी उसका पीछा करते करते उस गांव तक आ पहुंचा था, जिसे देखकर अक्सर उस गाँव के लोग उसे एक डायन समझकर हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। मगर हर बार वो उनकी बातों को उस रहस्यमय फल की तरह ही नज़रअंदाज कर दिया करती थी। अब उस फल का आखिर केतकी से क्या नाता था, यह हमें आगे ही कहानी में समझ आएगा। खैर, अब इसी बीच हम तेजी मोला नामक एक 15-16 साल की लड़की को भी देखते हैं, जिसके पिता देवीनाथ आज अपने एक व्यापार के चलते अपनी बेटी और पत्नी से अलविदा लेते हुए दिखाई देते हैं। और उसे जाता देख तेजी मोला को भी अपने पिता की तरह ही बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जागृत होती है। जहाँ उसके इतना कहते ही अब उसका यह थप्पड़ इसके पीछे की एक कहानी को उजागर करता है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी माँ स्नेही दरअसल देवीनाथ की दूसरी पत्नी थी, जिसने अपनी पहली बीवी के गुजर जाने के बाद अपनी जान से प्यारी बेटी की देखभाल के लिए स्नेही से कुछ समय पहले ही शादी की थी। और शायद इसी बात के चलते वो तेजी मौला से एक अंदरूनी नफरत भी किया करती थी, जो अचानक एक दिन तब उजागर होती है जब उसकी एक सहेली उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। और जैसे वो इजाजत मांगने अपनी माँ के पास पहुंचती है कि तभी अचानक अब इस घटना के साथ ही उस चौथी कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम पहली बार उसी गांव के एक बेहद अमीर इंसान जगन्नाथ महाजन को देखते हैं, जो आज अपनी बीवी के कहने पर अपने नौकरों के साथ गांव की दहलीज पर आकर बैठा हुआ दिखाई देता है। जहां कुछ देर बाद उसके नौकर अपने कंधों पर किसी तरह का बोझ उठाए हुए वापस उसके पास आ पहुंचते हैं, जिसे लेकर वो तुरंत अपने गांव की ओर रवाना होते हुए दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हम उसकी बीवी धुनेश्वरी को भी देखते हैं, जो आज अपनी एक मनोकामना के चलते गांव के एक शिकारी से कुछ बतके खरीदते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसी दौरान उसे अपने पति के वापस आने का समाचार मिलता है और हम देखते हैं कि वो पूजा की एक थाली लेकर उस लाए गए सामान की आरती उतारना शुरू करती है। जहां इसी बीच हम पहली बार उनकी बेटी बौन लतिका को भी देखते हैं, जिसकी कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों कहानियों में आखिर ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ किस्सों के राज अक्सर रात के अंधेरे में ही उजागर होते हैं, जिसके चलते हम एक बार फिर से तेजी मोला को देखते हैं, जो आज दिन में हुई अपनी पिटाई के चलते दर्द के मारे सो नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर हम स्नेही को भी देखते हैं, जो इस बात की परवाह न करते हुए गांव के बाहर बने हुए एक तालाब तक पहुंचती है और एक नाव की मदद से वो अपने आप उस तालाब की दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि उस नाव को दरअसल एक रहस्यमय दानव द्वारा खींचा जा रहा था, जो उसके वहां आते ही
उसके पति के बारे में पूछता है, जिसे सुन वो उसे बताती है कि उसका पति अब कई दिनों तक वापस नहीं लौटेगा, मगर वो अपने पीछे अपनी बेटी को उसकी निगरानी के लिए छोड़कर चला गया है। जिसे सुन वो दानव इस मुसीबत का हल बताते हुए उसे धीरे धीरे अपनी आगोश में लेना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर हम केतकी को भी देखते हैं, जो अपना काम काज निपटाने के बाद रात का भोजन करते हुए दिखाई देती है, जहां उसका पूरा ध्यान अपने खाने पर कम और उस फल पर ज्यादा था, जिसका कारण था उस फल का हमेशा उसका पीछा करना, और इस बात का जवाब वो आज तक ना ढूंढ पाई, जिसके चलते वो रोजमर्रा की तरह उस फल को सोने से पहले अपने पास रखी हुई एक टोकरी में डालकर चुपचाप सोने चली जाती है। जहां आधी रात होते ही हम एक बार फिर से धुनेश्वरी को देखते हैं, जो अपने साथ एक बतख लेकर घर के उस कमरे में दाखिल होती है, जहां सुबह लाए गए उस सामान को लाकर रखा गया था, और हम देखते हैं कि वो सामान कुछ और नहीं बल्कि एक जंगली अजगर था, जिसे धुनेश्वरी ने अपने एक लालच के चलते जिंदा पकड़वाया था। जहां इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि बौनलौतिका की शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि उसी अजगर से होने वाली थी, जिसके चलते वो आज अपने होने वाले दामाद को खुश करने के लिए उस बतख को लेकर वहां पहुंची थी। अब जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलती है कि तभी अचानक उसकी नजरें रूपेश्वरी और उसकी बेटी चंपावती पर पड़ती है, जो शायद उसके ऐसा करने से बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रही थी। अब इन दोनों का उसका जिंदगी से आखिर क्या नाता था, ये हमें आगे की कहानी में समझ आएगा। जहां इस घटना का जिक्र धुनेश्वरी अपने पति से करते हुए उसके सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखती है, जो ये थी कि जिस दिन उनकी बेटी की शादी हो वो दोनों माँ बेटी उस दिन इस गांव में ना दिखें। जिसे सुन जगन्नाथ भी इस बात के लिए अपनी हामी भर देता है। अब रात का तीसरा पहर होते ही हम एक बार फिर से उस शख्स को देखते हैं, जो रात के उस अंधेरे में एक और बच्चे को जिंदा दफनाते हुए दिखाई देता है। जहां इस बार भी हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर वो शख्स कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब अगली सुबह होते ही हम एक बार फिर से स्नेही को देखते हैं, जो तेजी मौला को लात मारकर उठाते हुए उसे चलकर गेहूं पीसने के लिए कहती है। जहां पिसाई के दौरान तेजी मौला हिम्मत करके अपनी माँ से ये पूछ डालती है कि आखिरकार वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। जिसे सुनते ही स्नेही का गुस्सा एक बार उस पर फिर से फूट पड़ता है, और वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए उसे ये बताती है कि दरअसल उसने देवीनाथ से शादी इसलिए की थी ताकि वो उसके पैसों पर राज कर सके, मगर तेजी मौला के चलते उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और आज वो उस घर में सिर्फ उसकी एक नौकरानी बनकर रह गई है। अब इसी बीच उसकी नजर दीवार पर रेंग रहे एक कीड़े पर पड़ती है, और फिर वहीं दूसरी ओर हम केतकी को भी देखते हैं, जो कि दरअसल पेशे से एक बुनकर थी, और शायद अपने इसी काम के चलते वो उस गांव में एक डायन होने के साथ साथ अपने इस हुनर के लिए भी मशहूर थी। जहां आज एक व्यापारी अपने काम के चलते उससे मिलने पहुंचा था, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि देवीनाथ होता है, जो आया तो अपने व्यापार के लिए था, मगर उसकी नजरें उस रहस्यमय फल पर आकर टिक जाती हैं। अब वापसी के दौरान देवीनाथ अपने साथी से उस घटना के बारे में पूछता है, जिसमें वो उसे बताता है कि जब से केतकी उस गांव में आई है तब से वो फल एक बच्चे की तरह उसके साथ साथ रहता है। जहां सुनने में ये भी आता है कि केतकी ने ही उस फल को अपनी कूख से जन्म दिया है, जिसके चलते उसके पति के साथ साथ उसके गांव वालों ने भी उसे डायन समझकर उस गांव से निकाल दिया था। अब इसी दौरान हम एक बार फिर से जगन्नाथ को देखते हैं, जो अपनी बीवी के कहने पर रूपेश्वरी और उसकी बेटी को शादी में आने से मना करता है, जिसे सुन वो उसे धुनेश्वरी का चमचा बताकर उसे काफी बेइज्जत करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल रूपेश्वरी जगन्नाथ की पहली बीवी और चंपावती उसकी पहली संतान थी, जिसकी शादी भी उसने कुछ साल पहले एक अजगर से करवाई थी, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि वो रहस्यमय अजगर खुद ब खुद शादी के लिए आगे आया था, और जो जाते जाते एक दिन चंपावती के लिए ढेर सारे गहने और आभूषण छोड़कर गायब हो जाता है। जहां उसकी देखा देखी में आज धुनेश्वरी भी उन्हीं गहनों के लालच के चलते अपनी बेटी की शादी एक जंगली अजगर से करवा रही थी, जिसे देख रूपेश्वरी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर धुनेश्वरी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। खैर अब इसी बीच हम केतकी को भी देखते हैं, जो कपड़ों की डिलीवरी के लिए देवीनाथ के बताए हुए पते पर पहुंचती है, जहां उसकी गैर मौजूदगी में उसका साथी केतकी को उसके द्वारा छोड़े गए कुछ पैसे देता है,
जो कि निर्धारित रकम से कुछ ज्यादा थे, जिसे देख केतकी को एक आश्चर्य सा होता है और वह उसे मिलकर उसके पैसे लौटाने का मन बनाती है। वहीं दूसरी ओर धनेश्वरी की एक नौकरानी पवनलोतिका की शादी का न्योता लेकर तेजी मौला के पास पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल वो दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी और आज उसकी शादी की खबर सुनते ही वो एक बार फिर से अपनी माँ से वहां जाने की इजाजत मांगती है। मगर हर बार की तरह इस बार भी स्नेही उसे घर के अंदर बुलाकर उसकी खूब पिटाई करती है। वहीं दूसरी ओर केतकी देवीनाथ को ढूंढते ढूंढते आखिर उस तक पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल देवीनाथ ने उसे वो पैसे उस फल की कहानी जानने के लिए दिए थे, जिसमें वो जैसे ही वापस मुड़ती है कि तभी अचानक देवीनाथ उसे अपनी यात्राओं के कुछ अजीबोगरीब किस्से बताना शुरू करता है। जैसे कि कई साल पहले एक औरत ने एक बिल्ली को जन्म दिया था और इसी तरह एक बार एक अंडे से एक लड़की का जन्म हुआ था। अब ये सब कुछ सुन केतकी उस पर भरोसा करते हुए उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है, जहां हमें पता चलता है कि उसने सच में उस रहस्यमय फल को अपनी कोख से जन्म दिया था, जिसके चलते उसके पति ने उन दोनों को अपने घर से निकाल फेंका था। अब अकेली और बेसहारा केतकी उस गांव को छोड़ने का फैसला करती है, मगर इसी बीच वो देखती है कि वो फल भी उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है, जो उसका पीछा करते करते उस गांव की नदी तक को पार कर देता है। और तब से लेकर आज तक वो एक बच्चे की तरह हमेशा उसके पास ही रहता है। अब उसकी ये कहानी सुनकर देवीनाथ उससे कहता है कि क्या पता इस फल के अंदर वाकई में उसका वो बच्चा हो जो शायद उसके सो जाने के बाद ही बाहर निकलता हो। और हम देखते हैं कि वो अपनी इस बात को साबित करने के लिए उस फल को एक टोकरी में डालकर उसके इर्द गिर्द आटा गिराना शुरू करता है, ताकि जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसके कदमों के निशान पूरे घर में फैल जाएं। जहां इसी दौरान हम एक बार फिर से तेजी मौला को देखते हैं, जिसे आज दिन भर काम करने के बाद भी स्नेही द्वारा खाना तक नहीं दिया जाता। और रात होते ही वो एक बार फिर से उस दानव से मिलने पहुंचती है, जबकि बार उसे तेजी मौला से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक नई युक्ति बताता है। और उस बढ़ती हुई रात की गहराई में हम एक बार फिर से उस अनजान शख्स को एक और बच्चे को जिंदा दफनाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार इस घटना की सच्चाई हमें मालती नामक एक महिला के मुंह से सुनने को मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति पुनः था। और तो और वो तीनों बच्चे दरअसल उसकी पहली तीन संतानें थीं, जिन्हें वो अपने चाचा के कहने पर जिंदा दफन कर चुका था। और इस बार उनके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया है, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। वहीं दूसरी ओर देवीनाथ की जैसे ही नींद खुलती है तो और उसे ढूंढते हुए वो केतकी के पास जा पहुंचता है, जहां उस फल को उसके पैरों में देख अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके अंदर वाकई में एक बच्चा है, जिसने हो ना हो पिछली रात उन दोनों की बातें सुन ली हैं, जिसके चलते वो मालती से उसे आवाज लगाकर अपनी ओर बुलाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि अब इस घटना के बाद देवीनाथ उसे अपने बच्चे से मिलवाने का वादा करते हुए उसके सामने एक अजीब शर्त रखता है, जो ये थी कि आज रात उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना बनाना होगा, जिसे सुन केतकी भी बिना कोई सवाल किए इस बात के लिए राजी हो जाती है। मगर इसी दौरान वो रहस्यमयी फल अपने आप वहां से गायब हो जाता है, जिसके चलते केतकी अब देवीनाथ को बुरा भला कहते हुए उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर आज हम स्नेही को भी अपना रंग बदलते हुए देखते हैं, जो तेजी मौला को अपनी माँ की एक साड़ी देते हुए उसे शादी में जाने के लिए कहती है, लेकिन अपनी आदत के चलते वो साड़ी के साथ साथ एक जिंदा चूहे को भी उसके बैग में छिपा देती है, जहाँ घर से निकलने के दौरान वो उसे साड़ी को सही सलामत वापस लाने की हिदायत देते हुए उसे वहां से विदा करती है। अब इसी बीच हम एक बार फिर से पुणे को देखते हैं, जो कि दरअसल मछली बेचने का एक कारोबार करता था, जहां वो हर रोज मछली पकड़ने से पहले अपने उस चाचा से मिलने जाता था, जो उसे बताते थे कि आज उसे सबसे ज्यादा मछलियां कहां पर मिलने वाली हैं। और आज उन्हीं की बदौलत उस गांव का एक मशहूर व्यापारी भी बन चुका था, जिसके चलते जगन्नाथ जैसे अमीर लोग भी उससे ही व्यापार करना पसंद करते थे। अब इसी दौरान हम उस फल को भी देखते हैं, जो भटकते भटकते उस गाँव के बाहर आ पहुंचा था, जो एक जगह अपनी प्रजाति के फलों को देखकर वहीं रुकने का फैसला करता है। जहां इसी बीच तेजी मौला को पता चलता है कि उसकी सहेली एक अजगर से शादी कर रही है, जिसके चलते अब बौनलोतिका को उसे पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है।
दरअसल एक दिन उसकी बहन चंपावती अपने पिता के साथ खेल में टहल रही थी, जहां किसी अनजान शख्स ने जगन्नाथ से ये कहा कि अगर उसकी शादी चंपा से ना हुई तो वो उसकी सारी फसल बर्बाद कर देगा, जिसके चलते वो डर के मारे चंपा की शादी उससे करवाने का फैसला करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक अजगर है, वो अपने इस वादे से मुकर जाता है। मगर धुनेश्वरी बड़ी ही चलाकी से उसे शादी के लिए राजी करवा लेती है, जो चंपा की माँ रूपेश्वरी को कतई मंजूर न था। जहाँ उसे डर था कि कहीं वो अजगर उसकी बेटी को जिंदा ना निगल ले, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, वो अजगर चंपा को बेशकीमती हार देकर वहां से गायब हो जाता है। अब ये कहानी बताने के बाद वो उसे तैयार होने के लिए कहती है, और जैसे तेजी उस साड़ी को निकालती है कि तभी अचानक अब ये सब देख वो डर के मारे वहां से चुपचाप जाने का निर्णय करती है। जहां इसी दौरान जगन्नाथ भी अपने घर मछलियां लेकर वापस पहुंचता है, जिसके वहां आते ही उनका खानदानी पुरोहित उस शादी को संपन्न करवाने से मना कर देता है, और जाते जाते उन दोनों को भी इस पाप से बचने की सलाह देता है। लेकिन धुनेश्वरी अपने लालच के चलते अपने घर के ही एक ब्राह्मण नौकर को उस शादी को संपन्न करने का हुक्म देती है। वहीं दूसरी ओर पुनः अपने चाचा के कहने पर अपने बीवी और बच्चों को लेने पहुंचता है, जहां मालती इस बार उसे मना करते हुए उसे भी अपने चाचा के पास जाने से रोकती है, जिसे सुन वो उसे बताता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसके चाचा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जहां 15 साल का होते ही उन्होंने ही उसे मछली का कारोबार शुरू करने की हिदायत दी थी, जिसके चलते आज वो उस गांव का एक मशहूर व्यापारी बन सका। मगर मालती उसे बीच में टोकते हुए उसे समझाती है कि उसका चाचा कोई भगवान नहीं बल्कि एक काला जादू करने वाला कोई शैतान है, जो अपनी किसी मनोकामना के चलते अब तक उनके 3 बच्चों की बलि दे चुका है, और शायद इस बार भी वो अपने उस मंसूबे को पूरा करने के लिए उनकी बेटी को मौत के घाट उतार देगा। साथ ही वो उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी का नाम भाग्यवती रखने का सोचा है, जो उसके चाचा की तरह ही उसका भाग्य बदल कर रख देगी। मगर वो उनके खिलाफ एक शब्द न सुनते हुए उसे जबरदस्ती चलने के लिए तैयार करता है, जहां वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आज उसके ढोंगी चाचा को मारने का निश्चय करती है। अब इसी दौरान हम एक और महिला को कुछ फल इकट्ठा करते हुए देखते हैं, जहां इसी बीच वो उस फल को भी उठाकर अपनी टोकरी में रख लेती है, और शाम होते ही जैसे वो उन फलों को काटना शुरू करती है कि तभी अचानक और वो लुढ़कता हुआ सीधा देवीनाथ के हाथों में जा पहुंचता है, जो बड़ी ही चलाकी से उस महिला से उस फल की मांग करते हुए दिखाई देता है, और उसके मिलते ही वो उसे मायूस बैठी हुई केतकी के हवाले करते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अब घबराई हुई तेजी मौला उस साड़ी को लेकर वापस अपने घर पहुंचती है, जहां डरते डरते वो स्नेही को सारा घटनाक्रम बताते हुए उसे माफी भी मांगती है, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उस साड़ी को अपने सीने से लगाकर रोना शुरू कर देती है। जहां इसी बीच उन्हें अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अपने उस चाचा के पास पहुंचता है, जो भले ही आंखों से देखने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी वो उस बच्ची का वहां होना महसूस कर लेता है, जिसके चलते वो उन्हें बताता है कि ये बच्ची ही उन दोनों की वो पहली संतान है, जो आगे चलकर उन दोनों का भाग्य बदल कर रख देगी। अब इतना कहकर वो मालती से उसका नाम भाग्यवती रखने को कहता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपने पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो उन दोनों को आज रात वापस उसी जगह जाने की हिदायत देता है जहां उन तीनों को दफनाया गया था। और हम देखते हैं कि उस रात की शुरुआत बौन लौतिका की शादी के साथ होते हुए दिखाई देती है, जहां इस तमाशे को देखने गांव का लगभग हर आदमी वहां पर मौजूद था। वहीं दूसरी ओर केतकी देवीनाथ द्वारा बताई गई उस युक्ति को अपनाते हुए उस फल के लिए एक बेहतरीन खाना तैयार करते हुए दिखाई देती है, और उसे अपनी ममता का वास्ता देते हुए उसे बाहर निकलकर उसके पास आने की इच्छा जाहिर करती है। जहां उसकी ये बातें घर के बाहर खड़ा देवीनाथ चुपके से सुन रहा था। अब इसी बीच पुनः अपनी बीवी को लेकर वापस उसी जगह पहुंचता है जहां उन तीनों बच्चों को दफनाया गया था, और हम देखते हैं कि उन तीनों की लाशें एक के बाद एक ऊपर आते हुए उन दोनों को असलियत बताना शुरू करती हैं, जहां वो तीनों 14 साल की उम्र होते ही पुनः की हत्या कर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे, लेकिन उसके चाचा के चलते वो अपने इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके। अब अपनी औलादों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
एक माँ का दिल फूट फूट कर अपने पति से माफी मांगते हुए दिखाई देता है। जहाँ इसी बीच शादी संपन्न होते ही धोनेश्वरी अपनी बेटी से मिलने पहुँचती है और उसे आज रात अपने पति से उन सभी गहनों की मांग करने का आदेश देती है जो उसकी बहन चंपा के पास मौजूद ना हो। साथ ही वह उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो आज रात उसके कमरे के बाहर ही पहरा देगी, और इतना कहकर वो अपने नौकरों को इशारा करते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है। जहां उसके जाते ही वो भूखा अजगर अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर शराब के नशे में चूर स्नेही एक बार फिर से तेजी मौला को धान कूटने के लिए बाहर बुलाती है, जिसे देख तेजी मौला को ये समझते देर नहीं लगती कि अब उसकी खैर नहीं, और हम देखते हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए उस ओखली को जोर जोर से कूटना शुरू करती है, जिसके चलते तेजी मौला का एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मगर स्नेही उस पर बिल्कुल भी रहम न करते हुए उसे अपने दूसरे हाथ से काम करने का इशारा करती है, जहां देखते ही देखते वो उसे भी घायल करके रख देती है। अब इतना सब होने के बावजूद भी जब उस वैश्य औरत का मन नहीं भरता तो वो अपना बदला लेने के लिए एक के बाद एक उसके दोनों पैरों को भी तोड़कर रख देती है। जहां इसी बीच वो शैतान एक बार फिर से उसके कान भरता हुआ दिखाई देता है और फिर अब उसके मरते ही उस टोकरी के अंदर से एक और बच्ची उठ खड़ी होती है, जिसे बाहर निकलता देख केतकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, और जैसे ही वो बच्ची उसके बनाए हुए खाने तक पहुंचती है कि तभी अचानक अब उस खोल के जलते ही केतकी उस बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए खुशी के आंसू रो पड़ती है, और इस तरह उसके सूने जीवन में पहली बार ममता का आगमन होता है। वहीं दूसरी ओर हम उस अजगर को भी देखते हैं जो धीरे धीरे अपने शिकार पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है, जिसे देख बौनलौती का घबराते हुए अपनी माँ को कई बार मदद के लिए पुकारती है, मगर वो लालची औरत हर बार उसे ये कहकर टाल देती है कि उसका पति जल्द ही उसे सोने चांदी में तोल कर रख देगा। जहां इसी बीच एक और वहशी औरत तेजी मौला को घसीटते हुए उसे गांव के बाहर लेकर पहुंचती है और उस शैतान के साथ मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाना शुरू करती है। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो शैतान उसका हाथ बटाने के बजाय चुपचाप वहां बैठकर सारा तमाशा देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वो अजगर भी अपने शिकार पर अब अपनी पूरी पकड़ बना चुका था, मगर इस बात से बेखबर धनेश्वरी एक गहरी नींद में डूबी हुई दिखाई देती है, जहां उसकी इस लापरवाही के चलते एक और मासूम को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। अब अगली सुबह की पहली किरण उन चारों महिलाओं के लिए एक जिंदगी भर का सबक बनकर आती है, जिसकी शुरुआत हम मालती से होते हुए देखते हैं, जो आज अपने पति और चाचा के साथ मिलकर अपनी पहली संतान का स्वागत करते हुए दिखाई देती है। मगर वहीं दूसरी ओर हम धुनेश्वरी को भी देखते हैं, जिसकी गफलत से भरी हुई नींद अचानक तब टूटती है जब उसे पता चलता है कि आज उसका अपना ही लालच उसकी बेटी को जिंदा निकल चुका था, और इस बात की कड़वी सच्चाई उसके साथ साथ स्नेही के सामने भी उजागर होते हुए दिखाई देती है, जब तेजी मौला की कब्र से जिंदगी रूपी पौधा निकलकर उसके सामने आता है, जहां हमें पता चलता है कि वह दरअसल स्किजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिसमें रोगी को तरह तरह के हेल्यूसिनेशंस का सामना करना पड़ता है, और शायद इसी के चलते वो शुरुआत से ही अपने मन रूपी शैतान की कैद में दिखाई देती है, जिसके कहने पर वो एक मासूम की हत्या तक कर देती है, और आज उसका वही पाप एक पौधा बनकर उसके सामने प्रकट होता है, जिसका फल उस बच्ची के हाथों में सौंपते हुए देवीनाथ एक बार फिर से एक अनजाने सफर पर निकल पड़ता है, और इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई संदेश नहीं देना चाहता। आज मैं आपके सामने बस हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूं कि प्लीज ऐसी मूवीज को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि कल को कोई उभरता हुआ कलाकार फिर से किसी ऐसे हादसे का शिकार ना हो। और रही बात शायरी की, तो उनसे बढ़कर ये बात आपको कोई नहीं समझा सकता कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें।
आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं।